नमस्कार, मैं उपेंद्र आपका फाइव स्टार किचन में स्वागत करता हूँ। पराठा, लोग अलग अलग तरीके से पराठा बनाते हैं। कोई आलू का बनाता है, कोई हरे मटर का बनाता है, कोई प्याज का बनाता है, बहुत तरह के पराठे बनते हैं। तो आज हम आपको मेथी का भरुआ पराठा बनाकर दिखाएंगे। मेथी अपने आप में बहुत गुणों से संपन्न होती है, यह स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेथी का पराठा। फिलिंग की सामग्री हमने ली है यहाँ पे, मेथी के पत्ते हैं जिसे हमने बारीक काट लिया है, एक प्याज है बारीक कटा हुआ, तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक, जीरा आधा छोटा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, दो हरी मिर्च है जिसे हमने बारीक काट लिया है। और डो बनाने के लिए हमने सामग्री ली है, दो कप गेहूं का आटा, तेल, नमक और पानी। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे। तो इसके लिए हमने बड़ा बॉल लिया हुआ है और अब इसमें आटा डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप नमक अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, दो चम्मच तेल डालेंगे, पानी डालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। तो देखिए हमने डो बना लिया है, अब इसे हम 15 मिनट के रखेंगे सेट होने के लिए और तब तक हम अपनी फिलिंग को रेडी करते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हमने एक पैन को लिया हुआ है, इसमें हम दो चम्मच तेल डालेंगे, तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा मिलाएंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक से प्याज बहुत जल्दी पक जाती है, हमें इसे थोड़ा पकाना है सिर्फ, मिक्स करेंगे। प्याज पक गई है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी थोड़ा पका लेंगे। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने पका लिया है, उसका कच्चापन निकलना जरूरी होता है, इसके लिए हमने इसे पकाया है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ मेथी के पत्ते डालेंगे। अच्छे से मिलाएंगे इसे हम। तो मेथी को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे, आमचूर पाउडर डालेंगे। आमचूर पाउडर जो है ये जो मेथी का जो कड़वापन है उसे दूर करता है, इसके लिए आमचूर पाउडर डालना ज़रूरी है। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे हम इसे। तो फिलिंग हमारी बनकर रेडी है, अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम पराठा बनाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा डो सेट हो चुका है और हमारी फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे इस तरह से, चकले पे सूखा आटा लगाएंगे और डो इस पे रखेंगे। थोड़ा और लगाएंगे, और थोड़ा सा बेलेंगे इसे हम। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे, इसे किनारों को मोड़ते हुए इस तरह से जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे। फिर से सूखा आटा लगाएंगे और हाथों से दबा के इसे फैला लेंगे।
अब इसे बेलेंगे। पराठे को बेलते समय ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टफिंग इसकी गीली होती है तो पराठा फट सकता है। ये फटने के बाद ये और अच्छा लगता है खाने में। इसी तरह से हम सभी पराठे बेलकर तैयार करेंगे। तो पराठा सेकने के लिए हमने तवे को गर्म कर लिया है। पराठा रख देंगे इस पे, पलट लेंगे। तो दूसरे तरफ भी हमारा पराठा सिक गया है। अब हम इस पे तेल लगाएंगे। आप तेल की जगह बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पलट लेंगे। दूसरे तरफ से भी तेल लगाएंगे। ये जो बीच में आप फटे फटे पराठे देख रहे हैं, ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची लगेगा। देखिए कितना सुंदर हमारा पराठा फूल रहा है। हमारा पराठा बनकर तैयार है। अब इसे हम प्लेटिंग करेंगे। इसी तरह से सभी पराठे हम सेक कर तैयार करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म मेथी के पराठे बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना बढ़िया पराठा हमारा बना है, और एक खाने में भी वैसे ही टेस्टी और क्रंची होगा। आप इसे ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये सेहतमंद भी है और इसे खाने से आपके घुटने के दर्द, जोड़ के दर्द सब ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमने आपसे रेसिपी शेयर की है। आप भी हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, और बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।